बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ाहिरी सूरत के लिहाज से तो एक सयाफ़ाम हबशी थे, ताम आईना दिल शफाफ था। इसको ज़िया ईमान ने इस वक्त मुनव्वर किया जबकि वादिय बतान की अक्सर गोरी मखलूक गरूर हुस्न ज़ाम शराफत में जलालत व गुमराही की ठोकरें खा रही थी। आप बनू जमा के एक मुशरिक उमैया बिन खल्फ के ग़ुलाम थे। उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इस ज़ालिम ने ज़ुल्म व सितम की इंतहा कर दी। वो आपको दोपहर के वक्त मक्का की तपती हुई रेत पर लिटाता और एक भारी पत्थर आपके सीने पर रख देता। कहता था कि मोहम्मद की पैरवी से बाज आ जा और लात रुज़ा को माबूद बरहक होने का इकरार कर ले, वरना इसी तरह पड़ा रहेगा। इसके जवाब में आप अहद अहद ही किए चले जाते। शकीउल कल्ब उमैया बेकस बिलाल के लिए हर रोज़ नया अजाब तजवीज़ करता। कभी आपको लोहे की ज़रा पहना कर धूप में डाल देता, कभी आपके हाथ पाँव बांध कर तारीख कोठरी में डाल देता और ताजियाने रसीद करता रहता। कभी आपके गले में रस्सी डालकर महल्ले की लौंडियों के सपुर्द कर देता कि वो आपको मक्का की गलियों और पहाड़ों में घसीटती फिरती। फिर इन्हें लोहे की तरह गर्म रेत पर औंधे मुँह लटा देते और फिर आप पर पत्थरों का ढेर लगा देते। ऐसे ही सख्त अजाब दे देकर आपको इस्लाम से रूगर्दानी का कहा जाता, लेकिन आप अहद अहद ही कहते रहते। अब बकर सिद्दीक का घर बनू जमा के महल्ले में ही था। वो हर रोज़ शहदाए हक्के बिलाल को तरह तरह की अकूबतों में मुबतला देखते तो इनको सख्त दुख होता। आखिर एक दिन आपने बिलाल को एक माकूल रकम के एवज उमैया से ख़रीद लिया और आज़ाद कर दिया। एक और रवायत है कि अबकर सिद्दीक ने अपने एक तंदोमंद गुलाम और 40 रुपये चांदी के बदले बिलाल को ख़रीदा और आज़ाद किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने सुना तो फरमाया, अबकर तुम मुझे इसमें शरीक कर लो। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, मैं आज़ाद करा चुका हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के विसाल के बाद बिलाल ने हज़रत अबकर सिद्दीक से कहा कि आपने मुझे आज़ाद फरमाया और अब आप ही मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अल्लाह अज़्ज़ वजल की राह में जिहाद करूँ, क्योंकि मुझे अब मदीना मुनव्वरा में क़याम से ज़्यादा जिहाद महबूब है। अबकर सिद्दीक ने फरमाया, ए बिलाल, अल्लाह गवाह है कि मैंने तुम्हें सिर्फ अल्लाह के लिए आज़ाद किया और मुझे तुमसे कोई बदला या शुक्रिया दरकार नहीं। अल्लाह की ज़मीन वसी है, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। बिलाल ने अर्ज़ किया, ए खलीफा रसूल, मुझे लगता है कि आपने मेरी बात का बुरा मनाया है। अबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं बिलाल, अल्लाह की कसम मैंने बुरा नहीं मनाया, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपनी ख्वाहिश को मेरी ख्वाहिश पर कुर्बान कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी जुदाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हालांकि एक दिन यह होना ही है और जुदाई की वो घड़ी अनकरीब आने वाली है। हमारी मुलाकात फिर रोज़ मैशर होगी और अगर तुम जिहाद पर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा। बिलाल, मैं तुम्हें भलाई की कामों की नसीहत करता हूँ, वो काम जो तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ वजल की याद दिलाते रहें और जब तुम इस दुनिया से रुखसत हो तो तुम्हें इनका बेहतरीन अजर मिले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें नेकी की तरफ माइल फरमाए और नेकी के रास्ते के ऊपर साबित कदमी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।